चलिए तो अब हम लोग आ जाते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरफ। पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, तो पैरा मैग्नेटिक मटेरियल ठीक उल्टा होता है डाइमैग्नेटिक से, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है मटेरियल के अंदर से पास हो सकता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो क्वांटिटी है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो फिगर बनाते हैं इसका। नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा है, इसमें लिखते हैं इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल, इफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज नहीं पहले लिखते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल द मैग्नेटिक फील्ड, द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पास थ्रू द मटेरियल, इसमें मटेरियल के थ्रू पास कर जाता है, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड lines inside the material increases। ठीक है, तो net magnetic field lines क्या हो जाएगा, inside the material increase हो जाएगा। When this material is placed in नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप इसको रखेंगे तो क्या होगा, देन इट विल मूव फ्रॉम वीक मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू हाई मैग्नेटिक फील्ड रीजन। ठीक है, सो इट विल बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, और डायमैग्नेटिक क्या था वो रिपल्सन हो जाता था मैग्नेट से, मैग्नेट के सामने लाइएगा तो वो रिपल्सन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेट के बगल में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये ज्यादा वाला मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा, यानी कि दूर में रहेगा तो ये पास में आना चाहेगा, यानी वीक से स्ट्रांग वाला मैग्नेटिक फील्ड में घुसना चाहेगा ये। लेकिन डायमैग्नेट में क्या था, स्ट्रांग से वीक में जाता है, यानी कि मैग्नेट क्या करेगा उसको रिपल्सन दे देगा, यानी मैग्नेट उसके सामने रखा जाएगा तो वो मैग्नेट से दूर भागेगा, उस टाइप का वो मटेरियल था डायमैग्नेटिक। ठीक है, यदि नहीं लिखे तो उसमें वो पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक है, याद से। अब देखिए कि ये मैग्नेट का बता दिया आपको, चलिए द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देयर इज इनिशियल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन द पैरा मैग्नेटिक मटीरियल अनलाइक डायमैग्नेटिक मटीरियल, मतलब डायमैग्नेटिक मटीरियल से एकदम उलट, वेयर There was no initial magnetic moment। ठीक है, no initial magnetic moment होता है था डायमैग्नेटिक में, लेकिन यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट पहले से रहेगा। ठीक है,
लेकिन रहने का भी कोई खास फायदा नहीं है स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के कारण ये जो मैग्नेटिक मोमेंट जो है अंदर में रैंडमाइज हो जाएगा, यानी कि किसी का डायरेक्शन इधर किसी का डायरेक्शन इधर, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट अंदर में क्या होगा? अभी भी जीरो ही होगा, लेकिन ये टेम्परेचर के कारण होगा। अरे टेम्परेचर यदि घटा दिया जाए तब इसमें मैग्नेटिक मोमेंट एकदम दिखेगा, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट उसमें है लेकिन वो दिखता नहीं है क्योंकि उस पर टेम्परेचर के कारण, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट करना ही है, साथ में टेम्परेचर को भी लो करने का है, ठीक है। जब टेम्परेचर भी लो करेंगे और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी लगाएंगे तो हमारा क्या होगा कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें लिखते हैं दो इट हैज इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट बट ड्यू टू टेम्परेचर इट इज इन रैंडम डायरेक्शन सो नॉट एबल टू सी द इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट। तो इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट को लोग देख नहीं पा रहे हैं। सो हियर टेम्परेचर प्लेस एंड इम्पॉर्टेंट रोल। तो इसमें टेम्परेचर का इम्पॉर्टेंट रोल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं सो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड एट लो टेम्परेचर इंड्यूसेस मैग्नेटिक मोमेंट इन द पैरामैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक मोमेंट आपका इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है? तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट इसमें आ रहा है उसके पीछे उसके साथ में आपको क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर भी आपको लो रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको पहले मिटाते हैं, लिखते हैं सम पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज, क्या क्या है आपका, एल्यूमिनियम सोडियम कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड कॉपर क्लोराइड, ठीक है। द मैग्नेटिक मूमेंट, यहां पर लिखे सो मैग्नेटिक मूमेंट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। सो एम इज इक्वल टू सी बी नॉट बाय टी, वेयर टी इज इक्वल टू टेम्परेचर, बी नॉट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एम मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल
और सी जो हो जाएगा इसको क्यूरीज कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है, क्यूरीज कांस्टेंट। दिस लॉ इज कॉल्ड एज क्यूरीज आई क्यूरीज लॉ, इसको क्यूरीज लॉ भी कहेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और, वी है एम इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होता है, एम इज इक्वल टू म्यू नॉट, सॉरी एम इज इक्वल टू एक्स एच, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। एम इज इक्वल टू एक्स क्या होता है, मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी, और तो ये एक्स और एच के जगह पे क्या लिख सकते थे, बी नॉट बाय म्यू, बी नॉट बाय म्यू नॉट। सो एक्स बी नॉट बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट बाय टी, बी नॉट कट गया तो x का वैल्यू सी म्यू नॉट बाय टी, ये भी इक्वेशन आया, ठीक है, मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी के टर्म में। ये जो आया आपका मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में, ठीक है। तो ये दोनों आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये फॉर्मूला कहीं भी आपका जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। ठीक है, तो आपका ये आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल आपका खत्म हुआ। अब हम लोग आने वाले हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के तरफ। अब लिखते हैं हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। लिखते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होता है, होता तो ये पैरामैग्नेटिक ही जैसा है, लेकिन पैरामैग्नेटिक से बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। व्हेन मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड देयर इज लार्ज लार्ज देयर इज लार्ज क्वांटिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड में बहुत ही ज्यादा इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इस मटेरियल के अंदर में बढ़ जाता है। स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट सो इट मूव्स फ्रॉम वीक टू हाई मैग्नेटिक फील्ड रीजन, ठीक है। अब देखिए कि हम लोग ये पता है कि उसमें क्या होता है, डोमेन पाया जाता है, और ये डोमेन ही कारण होता है इसका मैग्नेटिक फील्ड का बहुत ज्यादा बढ़ने का, ठीक है। चलिए इसमें लिखते हैं हम लोग, दिस हाई मैग्नेटिक फील्ड
इज ड्यू टू इट्स डोमेन स्ट्रक्चर होज साइज मे बी ऑफ 1 millimeter एंड देयर मे बी अप टू 10^11 एटम्स इन दैट डोमेन। उस डोमेन में क्या हो सकता है, 10^11 एटम्स तक हो सकता है, ठीक है। द डोमेन हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन बट then the magnetic field is applied, when the external magnetic field is applied, then it it aligns with the magnetic field at very fast rate, which is the cause of high magnetic field inside the material, ठीक है, ये इसका कारण हुआ। चलिए अब उसके बाद इसमें लिखते हैं, द स्पेक्यूलेशन, अंदाजा आदि नहीं किसी को पता है तब लिख लीजिए हिंदी में भी, स्पेक्यूलेशन ऑफ डोमेन इज नॉट हाइपोथेटिकल, ये हाइपोथेटिकल नहीं है जो अंदाजा लगाया गया, बट यू कैन सी द डोमेन मैकेनिज्म, आपको डोमेन का मैकेनिज्म देखना है, देन स्प्रिंकल द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पाउडर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पाउडर ऑन वाटर, वाटर पे हम लोग क्या करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का हम लोग पाउडर को डालते हैं, देन द एंड व्हेन वी apply magnetic field, then we can see the domain moving, we can see the orientation of domain in direction of applied फील्ड, ठीक है, इसलिए ये स्पेकुलेशन नहीं है, ये रियल में ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, ये जो डोमेन है यही इसके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनने का कारण बन जाता है, ठीक है, सबसे बड़ा कारण इसका यही है। चलिए इसको यहां तक मिटाते हैं, फिर कुछ पॉइंट है देखते हैं। लिखते हैं, देयर आर
सम नहीं इसको लिखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड. Some material remains with some magnitude of magnetic field permanently. Permanently किसी किसी में magnetic field induce रह जाएगा. Which will be used as permanent magnet. इसको permanent magnet की तरफ use करेंगे. Whereas some material does not able to retain its magnetic field, which will be used only to increase the magnetic field with solenoid. ठीक है, solenoid के साथ सिर्फ उसको यूज करने में हम लोग लगाएंगे जिसमें रिटेंटिविटी कैपेसिटी नहीं होता है, रिटेन करने का मैग्नेटिक फील्ड का कैपेसिटी नहीं होता है, उसको सिर्फ solenoid हाथ लगा के हम उसको यूज करेंगे. ठीक है, जिसमें रिटेन करने का कैपेसिटी वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा. ठीक है, चलिए तो अब इसी में लिखना है. The permanent magnet is made up of certain alloy that is alnico एक आपका alloy हो गया, in which we have आयरन निकल कोबाल्ट एंड कॉपर. ठीक है, जिसको हम लोग परमानेंट मैग्नेट में यूज करेंगे. ऑल्सो लोड स्टोन इज फाउंड नेचुरली विच इज used as permanent magnet. The permanent magnet has its use in magnetic needle to find the डायरेक्शन. मैग्नेटिक नीडल भी क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट का ही बना हुआ होता है. ठीक है, चलिए इसमें चीज लिख दिया. अगर आयरन के साथ निकल आयरन का एल्यूमिनियम भी होता है. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी इसको कहते हैं, यानी कि ऊपर वाला को. नीचे वाला को क्या कहेंगे था, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे. ठीक है, तो चलिए ये लिखा गया. अब हम लोग नीचे वाला तरफ आ जाते हैं. द मटेरियल नॉट एबल टू रिटेन magnetic property is called as soft
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। एग्जांपल आयरन, सब एग्जांपल हम लिख दे रहे हैं, कोबाल्ट निकल, कोबाल्ट निकेल, गैडोलिनियम, गैडोलिनियम ईटीसी, ये सब आपका क्या हो जाएगा, आपका सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, ऑल्सो सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड फॉर दिस। सॉफ्ट आयरन भी एक तरह का मटेरियल होता है, उसको भी इसके लिए ही यूज करेंगे, वो भी सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन। ठीक है, इसमें लिखते हैं द, इसके बाद लिखिएगा सब लास्ट में द रिलेटिव परमियाबिलिटी ऑफ, द रिलेटिव परमियाबिलिटी ऑफ फेरो मैग्नेटिक मटेरियल इज ग्रेटर देन 1000, वो ग्रेटर देन 1000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लिखते हैं इफ द फेरो मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन हाई टेम्परेचर देन देयर विल बी द फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन इसमें होना स्टार्ट होगा, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट होगा, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बिकम्स लाइक पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जैसा इसका प्रॉपर्टी हो जाएगा। दिस इज बिकॉज द डोमेन स्टार्ट्स टू डिसइंटीग्रेट एट हाई टेम्परेचर। डोमेन ही इसका टूट गया पूरा, तो ये तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल बनेगा ना। डोमेन स्टार्ट्स टू डिसइंटीग्रेट एट हाई टेम्परेचर एंड इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और ये पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। सो वी हैव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी when it becomes paramagnetic is x is equal to c by t minus tc where t is greater than tc and c is equal to Curie's constant। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है ना, अच्छा t क्या हो गया, टीसी क्या हो गया आपका, क्यूरीज टेम्परेचर।
टेम्परेचर क्यूरियस टेम्परेचर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और कहां ले जाएंगे, टी पे ले जाएंगे। तो टी माइनस टी सी क्या हो जाएगा इसका डिफरेंस इन टेम्परेचर, ठीक है। क्यूरियस टेम्परेचर आप जितना ज्यादा बढ़ाइए, क्यूरियस टेम्परेचर का वैल्यू फिक्स है इसका किसी मटीरियल का, अब क्या कर रहे हैं उससे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो टी पे चला गया। तो ये जो आपका जो मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी वाला जो आपका इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू सी बाई टी माइनस टी सी हो जाएगा, ठीक है। सो इट बिहेव्स लाइक पैरामैग्नेटिक एंड टी माइनस टी सी इज द एक्सेस टेम्परेचर, टी माइनस टी सी सी इज द एक्सेस टेम्परेचर ग्रेटर देन द क्यूरीज टेम्परेचर, ठीक है। टी माइनस टी सी एक्सेस टेम्परेचर ग्रेटर देन क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर ये टेम्परेचर से क्या करना है आपको घटाने का जो अभी टेम्परेचर है, तो इससे टी माइनस टी सी का डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर आपका निकल जाएगा और उसको डिवाइड कीजिए तो आपका मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का भी प्रॉपर्टीज खत्म होता है। चलिए इसको उतारिए, एक टेबल लिख लीजिएगा, मटेरियल और क्यूरीज टेम्परेचर, इसका कुछ मटेरियल का क्यूरियस टेम्परेचर हम ले रहे हैं, कोबाल्ट, आयरन Fe2O3, निकेल, गैडोलिनियम, इसका क्यूरियस टेम्परेचर 1394, आयरन का 1043, के बाद 893 निकेल का 631 और 317, चलिए इसको उतारिए। ये हो गया आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ए डोमेन इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक आयरन इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड लेंथ 1 माइक्रोमीटर, Estimate the number of iron atoms in the domain and the maximum possible dipole moment and magnetization of the domain, ठीक है।
द मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयरन इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयरन इज 55 ग्राम पर मोल, ठीक है, एंड इट्स डेंसिटी इज सेवन पॉइंट नाइन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. Assume that each iron atom has a dipole moment. Of 9.27 into 10 to the power minus 24 ampere meter square. ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ दिया जाए. डोमेन इन फेरोमैग्नेटिक आयरन इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड लेंथ 1 माइक्रोमीटर फुल स्टॉप. Estimate the number of iron atoms in the domain and the maximum possible domain dipole moment and the magnetization of the domain. Full stop. The molecular mass of iron is 55 gram per mole and its density is 7.9 gram per centimeter cube. Full stop. Assuming that each iron atom has a dipole moment of 9.27 into 10 to the power minus 24 ampere meter square. चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए कि ये एक फेरोमैग्नेटिक आयरन का बात कर रहा है. फेरोमैग्नेटिक आयरन जिसका साइड लेंथ कितना है, 1 माइक्रोमीटर है. ठीक है, साइड लेंथ इसका 1 माइक्रोमीटर है. क्यूब के फॉर्म में दिया है तो ऐसा मान रहा है इसको. एस्टिमेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन द डोमेन. तो आयरन एटम्स, एस्टिमेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन द डोमेन, तो इसमें आयरन एटम्स कितना है ये बताना है. मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मोमेंट है वो बताना है एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ द डोमेन. ये तीन चीज आपको बताने का है. मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयरन कितना दिया हुआ है, 55 ग्राम पर मोल एंड इट्स डेंसिटी इज 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, ईच आयरन एटम हैज अ डाइपोल मोमेंट का वैल्यू उतना दिया हुआ है. चलो लिखते हैं पहले डोमेन का जो है साइज, इसका वैल्यू क्या है. डोमेन साइज क्यूब का साइड का साइज, क्यूब साइड इज इक्वल टू कितना है, 1 माइक्रोमीटर, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर. ये तो निकल गया. ठीक है, अच्छा अब क्या है. मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयरन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयरन कितना दिया हुआ है, 55 ग्राम पर मोल. एक मोल में आपको पता है कितना एटम होता है, तो 55 ग्राम पर मोल. ठीक है, उतना एटम का इतना ग्राम हो जाएगा आपका. ठीक है, यानी कि चलिए इसको लिखेंगे लास्ट में. अच्छा, उसका डेंसिटी कितना हो गया, इसका डेंसिटी 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच एटम दिया हुआ है ना. डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच एटम दिया हुआ है, इसका वैल्यू 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पेयर मीटर स्क्वायर. ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ आयरन एटम्स निकालने का है एक क्यूब में आपका. ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू अच्छा डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है ना. ठीक है, मास बाय वॉल्यूम लिख देते हैं. अच्छा, तो डेंसिटी तो वैल्यू को पता है 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, लेकिन ध्यान रखिएगा. अच्छा, ये वॉल्यूम जो होगा
उसका क्यूब का वो वॉल्यूम तो निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगा ए क्यूब इसका वॉल्यूम होता है ना, साइड का क्यूब का आपका साइड क्यूब में आपका उसका वॉल्यूम निकालना है, तो साइड का हम लोग क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, ठीक है, तो वो वॉल्यूम में निकल जाएगा। मास जो आपका है वो निकालने का है आपको ना, ठीक है, निकालते हैं, देखिए। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयरन दिया हुआ है, इसको हम लोग करते हैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, साइड का क्यूब, साइड का क्यूब ये क्या हो जाएगा 10^-6 का क्यूब मीटर क्यूब, यानी कि 10^-18 मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम निकल गया। देखिए वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आपका कितना आ गया 10^-18 मीटर क्यूब, तो जो मास का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है आपका 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन वॉल्यूम आपका क्या है मीटर क्यूब में ना है, ये मीटर क्यूब में है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है मीटर क्यूब में है, ठीक है, यहाँ पे केयरफुल हो जाएगा। 7.9 ग्राम और एक सेंटीमीटर कितना होता है 10^-2 मीटर का क्यूब इंटू 10^-18 मीटर क्यूब, ये 7.9 इंटू 10^-18 -6 तो ऊपर चल गया तो +6 ग्राम हो गया आपका। देखिए 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10^-2 मीटर, उसका भी क्यूब कर दिया 10^-6 आया, ऊपर आ गया तो +6 हो गया, ये हो गया 7.9 इंटू 10^-12 ग्राम, ये हो गया मास, ठीक है, ये मास हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है ना, नंबर ऑफ आयरन एटम्स, ए में हमको क्या निकालना है नंबर ऑफ आयरन एटम्स, नंबर ऑफ आयरन एटम्स निकालना है आपको। अच्छा एक मोल जो आपका है, ये कहीं लिखे, एक मोल जो आपका है वो कितना है 55 ग्राम, ठीक है, एक मोल 55 ग्राम है, तो 6.023 इंटू 10^3 एटम्स का जो मास है वो है 55 ग्राम, ठीक है, तो एक ग्राम का जो, एक ग्राम में जो एटम पाया जाएगा वो 6.023 इंटू 10^23 बाय 55, एक ग्राम में क्या आ रहा है, कितना नंबर ऑफ एटम आ रहा है, दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट ग्राम ऑफ आयरन, ठीक है, तो यहां हम लोग लिख लिए दिस इज नंबर ऑफ एटम्स। अब हमको क्या निकालना है, पहला नंबर ऑफ आयरन एटम्स, सो नंबर ऑफ आयरन एटम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ आयरन इंटू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट मास, मास ऑफ आयरन एटम कितना आया 7.9 इंटू 10^-2 है, और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट मास कितना आ रहा है आपका 6.023 इंटू 10^23 बाई 55, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ एटम्स आएगा n, इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू आ रहा है 8.65 इंटू 10^10 एटम्स, ठीक है, समझ बात आ रहा है, ये नंबर ऑफ एटम्स आपका आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में,
इसको थोड़ा मिटाया जाए। डी पार्ट में क्या निकालने का है आपको, मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मोमेंट, ये मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मोमेंट, ये नंबर ऑफ एटम्स इनटू डाइपोल मोमेंट्स ऑफ वन एटम, यही ना होगा मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल, जितना एटम्स है सब का सब उसका डाइपोल मोमेंट हो जाए उसका, इसका वैल्यू क्या होगा 8.65 इंटू 10 टू द पावर 10, और इसका डाइपोल मोमेंट पर वॉल्यूम का दिया हुआ है, ऑफ वन एटम का दिया हुआ है, वो कितना है 9.27 इंटू 10 टू द पावर -24। ठीक है, तो ये जो वैल्यू जो है उसका वैल्यू आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 8 इंटू 10 टू द पावर -13 एम्पेयर मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, एम मैक्स का वैल्यू। अब चलिए हम लोगों के पास तीसरा क्या बोल रहा है, मैग्नेटाइजेशन, तीसरा क्या निकालने का है, मैग्नेटाइजेशन, तो मैग्नेटिक मोमेंट बाय वॉल्यूम, वही डोमेन का वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट कितना है भाई, 8 इंटू 10 टू द पावर -13 और डोमेन का वॉल्यूम 10 टू द पावर -18 मीटर क्यूब आपका हो जा रहा था, तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर 18 ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 8 इंटू, ठीक, और इसका यूनिट तो पता ही है एम्पेयर मीटर टू द पावर -1 हो गया। ठीक है, इसमें तीनों पार्ट निकल गया मेरा, हम लोग निकालना था एस्टिमेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन द डोमेन, मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ डोमेन। ठीक है, ये तीनों चीज इसमें निकाल लिए, इसको उतारा जाए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, उसको हम लोग हिस्टेरिसिस कर्व कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग हिस्टेरिसिस कर्व लिखेंगे और इसको समझेंगे कि ये क्या होता है। पहले इसका एक फिगर बनाएंगे, फिगर के बाद इसको अच्छा से समझते चलेंगे। एक नेट मैग्नेटिक फील्ड का, इसका यूनिट टेस्ला हो गया, इसका हो गया एम्पेयर मीटर टू द पावर -1। अच्छे से उतारिएगा,
इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। चलिए इसको बनाइए। हिस्टेरेसिस इज फॉर फेरोमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ही होता है फॉर फेरोमैग्नेट, ठीक है। चलिए तो अब देखिए इसमें हो क्या रहा है। ये ओ है आपका, तो ये जो आपका हो गया मैग्नेटिक इंटेंसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके बीच में ये ग्राफ आपका बन रहा है, ठीक है। ये जो कर्व बन रहा है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच का कर्व है, ठीक है, ग्राफ के फॉर्म में। चलिए इसमें लिखते हैं द हिस्टेरेसिस कर्व इज फॉर मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच एंड मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। अब क्या होता है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही का प्रॉपर्टीज बता रहा होगा, तो हम लोग सोलेनोइड के अंदर में एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द गिवन कर्व वी इंसर्ट ए फेरो मैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड द सोलेनोइड। सोलेनोइड के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। एट इनिशियल स्टेज द करंट इज जीरो सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज ऑल्सो जीरो इनिशियली, ठीक है। When current is given in a particular direction, then the curve moves along the line OA. ये OA के अलोंग बढ़ेगा, OA के अलोंग देख रहे हैं बढ़ रहा है, मीन द नेट मैग्नेटिक फील्ड B also इंक्रीज विथ H, H के साथ B का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। एट पॉइंट A
इफ द करेंट इज रिड्यूस्ड करंट को अब क्या कर रहे हैं, ए से रिड्यूस कर रहे हैं, देन द कर्व डज नॉट रिट्रेस इट्स पाथ। तो कर्व जो है आपका जैसे गया था वैसे ये लौट अब नहीं रहा है, ठीक है। चलिए, वेन करेंट इन सोलेनॉयड इज जीरो, देन एच इज ऑल्सो जीरो। करंट जीरो होगा तो एच का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पर करंट यहां पे क्या किया, यहां जीरो लाए, यानी कि एच का वैल्यू यहां पे जीरो हो गया। बट द नेट मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स इन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सो द वैल्यू ऑफ बी दैट इज लेंथ ओ बी इज कॉल्ड एज रिटेंटिविटी और रेमानेंस। रिटेंटिविटी या रेमानेंस कहेंगे, तो ये जो इतना वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड उसमें बचा हुआ रह जाता है, ठीक है, तो इसको रिटेंटिविटी कहेंगे हम लोग, ठीक है। अभी भी इसका मैग्नेटिक फील्ड तो अभी जीरो हुआ नहीं है। चलिए इसे मिटाते हैं अब हम। If the current is reversed from B, reversed current is reversed in opposite direction फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी मतलब करंट को क्या कर रहे, रिवर्स कर रहे हैं, देन देन द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होगा, करंट को जब रिवर्स करेंगे तो इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच का वैल्यू क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। नाउ एट पॉइंट सी द नेट मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स जीरो, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फील्ड सी पे जीरो हो जाएगा यहां पर, जब करंट को रिवर्स डायरेक्शन में लिया गया तब इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। द लेंथ ओसी इज कॉल्ड एज कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी इसको कोएर्सिविटी कहते हैं, ठीक है। अगेन द वैल्यू ऑफ अपोजिट करंट इज इंक्रीज्ड अप टू
पॉइंट डी इट फॉलोज द सेम पाथ डी ई ए एज इट वॉज फॉलोइंग इन ए बी डी पाथ। मतलब ये जब यहां पहुंचा तो इसके जैसा पहुंचने वाला, ये पॉजिटिव साइड में, ये नेगेटिव साइड में, तो ये भी ऐसे गया तो ये भी अब ऐसे जा रहा है। ठीक है, नाउ फाइनली द करेंट इज, करेंट इज इन पॉजिटिव वैल्यू विथ, पॉजिटिव वैल्यू विथ एच इज पॉजिटिव। ठीक है, इफ अगेन डन इट फॉलोज द सेम, इफ अगेन डन, फिर क्या करेंगे, फिर करंट कैसे इंक्रीज करेंगे, तो फिर सही है जाएगा, फिर सही आएगा। ठीक है, इट फॉलोज द सेम पाथ, इट मीन्स नाउ द कर्व रिट्रेस इट्स पाथ। सो वी लर्न दैट द द मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट फॉलो इट्स, डज नॉट फॉलो इट्स इट्स पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन, सो इट इज कॉल्ड एज हिस्टेरेसिस कर्व, मीन्स लैगिंग बिहाइंड, मतलब पीछे छूटने वाला हो गया। ठीक है, हिस्टेरेसिस मतलब लैगिंग बिहाइंड। तो इसे यहां पर बताइए, सो वी कैन से दैट एज बी इज इक्वल टू म्यू एच, वेयर म्यू क्या था आपका, परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी। सो परमियाबिलिटी depends upon the previous history of magnetization, यानी कि previous history पर यह depend कर रहा है magnetization। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, ये आपका hysteresis curve खत्म हो गया।